चर्च में एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो आदमी बताता है कि उसे यहाँ पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो आदमी चर्च के पादरी के पास जाता है। जहाँ जाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि प्लेग नाम की बीमारी की वजह से वहाँ के पादरी की मौत हो गई है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत तेज झटका लगता है क्योंकि अब उसे ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि अब उसे पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वो आदमी साइड में पादरी की ड्रेस देखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो पादरी बनेगा क्योंकि पादरी को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगली सीन में हम एक लोरेंजो नाम के आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जर्विनो नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरह लोरेंजो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जर्विनो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालत में लोरेंजो की लाश चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के दोस्त उसे भागने में उसकी मदद कर रहे हैं और वो लोग मिलकर उसे एक घोड़ा दे देते हैं। उसके बाद अगली सीन में हम रानी पैम्पिनिया को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी क्योंकि रिसेंटली प्लेग नाम की बीमारी से उसकी भी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तभी उसके पास जर्विनो आता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पे वो बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। तब जर्विनो अपनी औकात दिखाता है और वो पैम्पिनिया से कहता है कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर्जा था और अब उनकी डेथ के बाद उनकी सारी संपत्ति पे मेरा हक है और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी ना लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम लोरेंजो को फिर से एक बार भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो अपने साथ एक डेड बॉडी लेके जा रहा था। तब लोरेंजो उससे पूछता है कि ये मरा हुआ आदमी कौन है और ये कैसे मरा। तब वो आदमी लोरेंजो को बताता है कि ये गूंगा बहरा एक माली था जो कि पास ही के एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन प्लेग नाम की बीमारी होने की वजह से इसकी भी मौत हो गई है। तब लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे अगर जर्विनो से बचना है तो वो उस चर्च में जा सकता है। तभी एक बार फिर से जर्विनो के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो एक पेड़ की डाल पे चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्विनो के आदमी उसे देख नहीं पाते और वो लोग आगे निकल जाते हैं और लोरेंजो किसी तरह बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो पेड़ की टहनी टूट जाती है जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद दो नन उसके पास आती है और वो दोनों मिलकर उसे चर्च में ले जाती है और चर्च ले जाने के बाद वो दोनों मिलकर उसे गंदी तरीके से देखने लगती है और वो दोनों मिलकर उसे यहाँ वहाँ छूने लगती है। तभी अचानक से लोरेंजो को भी होश आ जाता है, लेकिन वो जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करने लगता है क्योंकि ये सब करने में उसे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक और नन आ जाती है जो उन दोनों नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि काम करने के लिए हमें गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है, जिस पर वो दोनों नन उसे बताती है कि ये गूंगा बहरा है, जिसे सुनने के बाद वो नन भी खुश हो जाती है। अगली सीन में हम उसी पैम्पिनिया को देखते हैं जो जर्विनो से काफी परेशान होने के बाद उसी चर्च में रहने के लिए आती है जिसमें लोरेंजो काम करता था। उसके बाद दोनों नन मिलकर पैम्पिनिया को तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी पैम्पिनिया की नजर लोरेंजो पे जाती है जिसपे वो दोनों नन से पूछती है कि ये बंदा कौन है। तब वो दोनों नन उसे बताती है कि ये यहाँ का माली है और वो बोल और सुन नहीं सकता। तभी अचानक से लोरेंजो के पास एक नन जाती है और वो उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ मंगल करने लगती है, लेकिन ये सब कुछ पैम्पिनिया भी देख रही थी और ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पैम्पिनिया को कहीं ना कहीं लोरेंजो से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ रूस का राजकुमार भी अब पैम्पिनिया के घर पहुंच चुका था जहां उसे जर्विनो मिलता है और वो उसे बोलता है कि अबे चूतिया निकल यहां से क्योंकि अब पैम्पिनिया मुझसे शादी करेगी। ये सुनने के बाद राजकुमार वहां से उदास होकर जाने लगता है, पर रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि जर्विनो से परेशान होकर पैम्पिनिया यहां से भाग गई है और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद राजकुमार पैम्पिनिया को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लोरेंजो के पास दो अनजान नन आती है और वो लोरेंजो के पास जाके उसके साथ गपागप करने लगती है। पैम्पिनिया अब अंदर से बहुत ज्यादा टूटने लगी थी क्योंकि वो चाहती थी कि लोरेंजो के साथ कोई गपागप ना करे, जिसकी वजह से वो लोरेंजो पे नजर रखने लगती है। लेकिन एक दिन वो लोरेंजो को गलती से गाना गाते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से पैम्पिनिया एक प्लान बनाती है और वो एक दिन लोरेंजो के पास जाके उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसे किस करने के लिए बोलती है, जिसके बाद पैम्पिनिया उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन आग ढका होने की वजह से लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता, जिसके बाद पैम्पिनिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन चर्च से वापस जाने से पहले पैम्पिनिया एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है और मैंने उसे गाना गाते हुए देखा था। जब नन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो लोरेंजो को काम से निकाल देती है, जिसकी वजह से लोरेंजो रोड पे आ जाता है और पैम्पिनिया को वहाँ से जाता हुआ देख के लोरेंजो उससे बोलता है कि मेरे पास कोई घर और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना मेरे पास कोई नौकरी है जिसकी वजह से मैं अपना गुजारा कर सकूं, और वो पैम्पिनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है,
जिसके बाद पेम्पेनिया उसकी बात मान लेती है क्योंकि पेम्पेनिया भी वही चाहती थी और वो लोरेंजो को अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रोज के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाते हुए दिखती है, जहाँ वो राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रोज का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ अपनी पेम्पेनिया को ढूंढ रहा हूँ। जिसपे वो लड़की उससे झूठ बोलती है और वो उससे बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पेम्पेनिया हूँ, जिसपे राजकुमार भी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है क्योंकि इससे पहले उसने पेम्पेनिया को कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ पेम्पेनिया और लोरेंजो आपस में बात कर रहे थे, जहाँ लोरेंजो पेम्पेनिया को बताता है कि चर्च में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आँख पे पट्टी बांध के मुझे किस किया था और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये सुनने के बाद पेम्पेनिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। जिसपे पेम्पेनिया लोरेंजो से बोलती है कि अगर तुम मुझे किस करो तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ अचानक से जर्विनो आ जाता है और वहाँ पे जर्विनो और लोरेंजो की लड़ाई होने लगती है जिसमें लोरेंजो हार जाता है और जर्विनो लोरेंजो को काल कोठी में डाल देता है। अगली सीन में पेम्पेनिया जर्विनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। ये सुन के जर्विनो भी उसकी बात मान जाता है और वो शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं वही पेंटर था। जिसके बाद पेम्पेनिया पादरी के पास जाके उसे कुछ पैसे दे के बोलती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को टालते जाओ, जिसपे पादरी भी बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन शादी की डेट आगे बढ़ता हुआ देख के जर्विनो तलवार निकाल के पादरी के गले पे रख देता है। तभी वहाँ रूस का राजकुमार आता है और तभी वहाँ पे लोरेंजो भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलके जर्विनो के आदमियों से लड़ने लगते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद लोरेंजो जर्विनो के साथ भी लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान जर्विनो कुएं में गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, जिसके बाद पेम्पेनिया अपना चेहरा ढक के राजकुमार के पास जाती है और वो राजकुमार के पास जाके उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और वो उससे बोलता है कि तुम भी वो पेम्पेनिया नहीं हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था। तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पे आती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वो उस राजकुमार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। जिसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि पेम्पेनिया ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। जिसके बाद पादरी इन सब की शादी करा देता है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।